हमारे साथ जैसा कि हम देख सकते हैं यशवंत देशमुख जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सी वोटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका यशवंत जी। अब आप ही का टेक सर, क्या नजर आ रहा है आपको, महाराष्ट्र हरियाणा दोनों ही राज्यों में क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा, किसको लीड मिलने वाली है इस बार? किसको लीड मिलेगी ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है दोनों ही राज्यों में। लोकसभा चुनाव से ये बहुत स्पष्ट हो गया है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मोदी डिविडेंड 8-10% का एक्स्ट्रा मिलता है जो विधानसभा चुनाव में नहीं रहता, और दोनों ही जगहों पे एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट काम कर रही है। हरियाणा में तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो इन चीजों को देखते हुए इतना तो है कि प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं वो आसार भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों के लिए इन दोनों ही राज्यों में बहुत अच्छे कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कम से कम आंकड़ों की दृष्टि से। तो अच्छा, मोदी फैक्टर पर क्या कहा आपने, मैं आपको सुन नहीं पाई, मोदी फैक्टर है कि नहीं है इस चुनाव? मोदी फैक्टर रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये पिछले 10 सालों में हम लोग ने परिपाटी देखी कि भाजपा को 8-10%, कभी कई कुछ कुछ राज्यों में 20-20% तक का मोदी डिविडेंड मिलता है, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव में उनके वोट गिर जाते हैं। औसतन हरियाणा में भी अगर आप देखें तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 20-20% तक वोट शेयर का ड्रॉप भाजपा के खाते में देखने को हमको मिला है। और जैसा कि अभी समीर जी बता रहे थे, महाराष्ट्र के केस में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां उभरी रही है पिछले 2 विधानसभा चुनाव में, चुनाव भी सबसे ज्यादा शायद सीटों पर लड़ेगी, लेकिन जो स्थिति महाराष्ट्र की है मुझे लगता है कि वहां जिस दिन से उन्होंने अजीत पवार वाला एक्सपेरिमेंट किया उस दिन से सरकार भले ही उनकी नंबरों के खाते से बन रही हो चल रही हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी अच्छा समाचार उनके लिए आया है उस तरीके के अलायंस से। और लोकसभा चुनाव ने तो बहुत ही साफ उस बात को अंडरलाइन कर दिया, अगर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ में भाजपा महाराष्ट्र में नहीं जीत पाई तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में, जहां पे इस समय उनकी जो भी गठबंधन की सरकार है जिसके खिलाफ जितना ज्यादा नाराजगी या गुस्से का माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है, इन सब के बाद में मतलब लोकसभा चुनाव को भी पलटते हुए वो विधानसभा चुनाव में बहुत भारी जीत या बड़ा अच्छा कुछ प्रदर्शन कर ले जाएंगे, कम से कम कन्वेंशनल विजडम इस बात की गवाही नहीं देता। आंकड़े जो है वो अभी आएंगे, अपने आपको समझ में आ जाएंगे, ट्रैकर्स में और मूड ऑफ द नेशन आने वाला है हमारा इंडिया टुडे के साथ में, उसमें भी हम लोगों को अंदाजा लगेगा। लेकिन मैं एक और चीज आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो तोड़फोड़ की सियासत है, ये नुकसान उसका हुआ विपक्ष के मुद्दे चले, या फिर ये नुकसान दरअसल उसी का हुआ महाराष्ट्र में बीजेपी इंडिया गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को? है कि महाराष्ट्र के केस में दोनों चीजों को जोड़ के ही देखा जाना चाहिए, महाराष्ट्र की राजनीति और वहां की तोड़फोड़ की सुबुकाहट, इन दोनों को अलग तरीके से कैसे हम देख सकते हैं? बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस के नाम से बहुत तेजी से वहां पर नहीं, एक तो या तो गुस्सा हो यशवंत जी लोगों के बीच कि ये तोड़फोड़ की सियासत करते हैं, चाचा भतीजा को अलग कर दिया, शिवसेना इन्होंने तोड़ दी, एक तो ये गुस्सा हो, या फिर ये कि मुझे अपने मुद्दों से मतलब है, जनता के बीच में एक राय, मोदी सरकार के कामकाज से खुश नहीं जनता, और इस लिहाज से और विपक्ष के मुद्दों में जान नजर आती है, उस लिहाज से या तो वोट किया हो। देखिए, मोदी सरकार के कामकाज से गुस्सा या मोदी सरकार के कामकाज से नाराजगी एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर 36 तरीके के आकलन किए जा सकते हैं जितने एंगल से हम उसे देखें, क्योंकि हर एंगल के ऊपर हर मुद्दे के ऊपर कोई ना कोई राज्य आपको ऐसा मिल जाएगा जिस राज्य में वो मुद्दा ज्यादा बड़ा है और वो उस मुद्दे को बीजेपी ने लोकसभा में स्वीप किया, इसलिए महाराष्ट्र को किसी मुद्दे के नजरिए देख ही नहीं रहे। महाराष्ट्र में विशुद्ध रूप से जोड़ तोड़ की राजनीति और उसके खिलाफ जो नाराजगी है, जिस तरीके की भाजपा ने राजनीति की तोड़ने की, खासतौर पे अजीत पवार फैक्शन को साथ में लाने की जो उन्होंने गलती की, उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा। वो गुस्सा उस तोड़फोड़ का इतना ज्यादा था जैसा कि मैंने बोला, और संजय भाई और शीतल जी भी हैं, पर आप देख इनसे भी उनके भी आंकड़ों में आप संजय भाई के भी आप यही पाएंगे वहां पर कि जोड़ तोड़ की राजनीति के खिलाफ महाराष्ट्र का गुस्सा वो सर चढ़ के बोला, और इतना बोला कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी को भी सुपर सीड कर गया। समीर जी को इस पर बोलना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, यशवंत ने कई बार शेयर किया कि जो वहां पर भाजपा गठबंधन को वोट मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी उससे दुगने आंकड़े पर, लेकिन वोट नहीं पड़े।
तो क्यों नहीं पड़े, ये इसका आत्ममंथन कहीं ना कहीं भाजपा को ही करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के बावजूद भी महाराष्ट्र में उनको मुंह की हानि पड़ी लोकसभा चुनाव में। जल्दी से समझो, देखिए महाराष्ट्र के अंदर तोड़फोड़ के राजनीति की नाराजगी जरूर थी, लेकिन मुझे लग रहा है जो नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में, वो जातिगत समीकरणों के कारण हुआ है। जिस कारण से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर टिक गई, वही एक कारण महाराष्ट्र के अंदर आया जिस कारण भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई है। अगर तोड़फोड़ का बहुत ज्यादा असर होता तो एकनाथ शिंदे इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं करते। अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो एकनाथ शिंदे का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है। तोड़फोड़ का ये बात और गंभीर है, मैं मानता हूं ये बात और भी गंभीर है, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा हारी है अपने गढ़ में, यानी विदर्भ में मुंह की खाई है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में मुंह की खाई है। ये वो दो इलाके हैं जहां पे भाजपा अपने सहयोगी दलों के सर पे किसी भी किस्म का ठीकरा नहीं फोड़ सकती। लेकिन इसका यह भी अर्थ है, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि भाजपा की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा के कोर वोटर उससे नाराज हुए और वो राज्य की राजनीति को लेकर नाराज हुए। जिन जगहों पे शिंदे के वोटर थे, जिन जगहों पे अजीत पवार के वोटर थे, उनके लिए मरता क्या ना करता वाली स्थिति थी, उन्होंने गठबंधन को वोट दिया, अपने लोगों को बचाने के लिए वोट दिया। लेकिन जहां भाजपा प्योर मेरिट के ऊपर वोट मांगने गई, वहां पे मराठवाड़ा में और विदर्भ में, जो उनका बिल्कुल श्योर शॉट गढ़, मतलब ये इस तरीके के गढ़ है जहां भाजपा वर्सेस कांग्रेस की ही लड़ाई होती आई है विदर्भ में, और जिस बुरी तरह से, और वहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, वहां से नितिन गडकरी आते हैं, गडकरी साहब अपनी सीट जीत ले गए, वो भी ईश्वर कृपा थी उनके ऊपर कि वो अपनी सीट निकाल ले गए, अन्यथा कोई कसर नहीं छोड़ी थी भाई लोगों ने उनकी सीट के भी सत्यानाश करने की। तो आप इससे समझ जाइए कि अगर आप मराठवाड़ा और विदर्भ नहीं बचा सकते हैं तो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो आपके पास में ब्रांड है या जो आपने कलेवर या तेवर दिखाया है, वो तेवर आपका बरकरार नहीं रह सकता। ठीक, 10 साल बाद भी ये बोलने की, क्योंकि आप जानकार हैं, ये बोलने की स्थिति में नहीं, फाइट नजर आ रही है। मैं जितने भी अपने यहाँ पर जानकार बैठे उनसे पूछ रही हूँ, अगर फाइट नजर आ रही है तो फिर तो यशवंत जी कहीं ना कहीं, ये भी बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि अभी भी वो फाइट में है, और वो भी तब जब 2024 में ये नतीजे रहे हैं। नहीं, फाइट जो नजर आ रही है वो सामाजिक समीकरणों के कारण, मतलब जो हरियाणा की स्थिति है, वो जाट वर्सेस नॉन जाट का जो पोलराइजेशन है, उस चक्कर में बीजेपी लोकसभा में 45% वोट पोल करके रह गई। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राजनीति इस समय बिल्कुल ही दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का पोलराइजेशन भाजपा के पक्ष में पिछले 10 सालों में देखा है, और हरियाणा में जाटों का पोलराइजेशन भाजपा के विरोध में हमने देखा है। तो ये उसके कारण, लेकिन इस पोलराइजेशन के बियॉन्ड भी, जिस तरफ मेरे सभी वरिष्ठ भाइयों ने जिस तरफ इशारा किया, उसमें एक और लाइन जुड़ी हुई है कि भाजपा का सिरदर्द ये आयातित नेता और उनको लेकर के जो रिएक्शन उनके कैडर का है, ये बहुत बड़ा है। 10 में से 6 लोकसभा के कैंडिडेट हरियाणा में आयातित थे, बाहर से मंगाए हुए थे, और ये केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, पूरे भारत में 10 सालों में समाउ जैसे ही विपक्ष का कोई नेता किसी भी तरीके का दिखा तो भाजपा का तंत्र जो है पूरी तरह से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वाले अंदाज में आरती लगा करके तुरंत लाने में जुट गए, और बिना इस बात की चिंता किए हुए कि इन आयातित नेताओं के कारण उनका कैडर क्या सोच रहा है, उनके खुद के समर्थकों की क्या स्थिति है। तो राम जो है वो घर बैठ गए, रतन सारे रेबल खड़े हो गए, धन के सहारे कितने चुनाव लड़ सकते हैं इसका हमने अपने नतीजा देख लिया। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पॉलिसी लैप्स, एक तरह से कहूं पार्टी मैनेजमेंट के लेवल पे ये हुआ है। और कुछ मैं इस बात से सहमत हूं संजय जी की, कि कुछ जगहों सारे नेता उनको खराब मिले हैं ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे उनको वास्तव में बहुत अच्छे एसेट तैयार हुए हैं, जैसे हिमांता बिस्व शर्मा उनके लिए एसेट साबित हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लीडर उनके लिए एसेट साबित हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ, जो आपके ऊपर अब आरोप लगता है कि आपने वॉशिंग मशीन की तरह लॉन्ड्रोमैट खोल रखा है, कि जिनके ऊपर आपने आरोप पे आरोप लगाए, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, 700 करोड़, जितने भी आरोप लगाए और आपने वॉशिंग मशीन में डाला और धो धा के अपने आप पे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का नुकसान महाराष्ट्र में भी हुआ है, इस चीज का नुकसान उनको हरियाणा में भी उठाना पड़ा है, क्योंकि हरियाणा में एक बहुत ही नॉन जाट पॉलिटिक्स के ऊपर क्लीन एक स्लेट राजनीति करके बीजेपी ने वहां पर जीतें हासिल की थी। तो इतने ज्यादा नेता आयात करने की वास्तव में उनको जरूरत थी क्या?
ये एक प्रश्न चिन्ह है। और जैसा कि रवि समीर जी कह रहे थे कि पिछली बार इतनी बड़ी तादाद में रेबल लीडर जो है जेजेपी के टिकट पे लड़ गए, तो ये स्थिति इस बार नहीं होगी, इस बात को किसने बोला है कि ये नहीं होगी? तो इन चीजों से बीजेपी ने कितना सीखा है, कितनी सीख ली है, ये तो अब आने वाले चुनाव के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से आपको समझना है। अच्छा।